Assalamualaikum everyone, this is me Ikram. I'm a celebrity makeup artist और आज हम आपके लिए मास्टर क्लास लेकर आए हैं और आज की हमने मास्टर क्लास में जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ नए नए हमने आपको टिप्स दिए और बहुत सी नई टेक्निक सिखाई, बहुत सी नई चीज़ें हमने आपको सिखाई, ठीक है। और हमने आपको बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ें हमने आपको बताई जिनकी लोगों को नॉलेज नहीं होती या लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं मालूम होता। हमने आपको वो बेसिक चीज़ें हमने आपको सब गाइड की हैं उसमें। और सबसे पहले हमने शुरू किया कि मेक श्योर आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज होनी चाहिए, उस पर सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई होनी चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन अप्लाई हो। फिर सेकेंड स्टेप जो है वो हमने किया था प्राइमर का, तो मेक श्योर आपका प्राइमर आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सा प्राइमर चाहिए। आपको मैट प्राइमर चाहिए, आपको जो है वो ऑयल कंट्रोल प्राइमर चाहिए, या आपको जो है वो थोड़ा सा ड्यूई प्राइमर या हाइड्रेटिंग प्राइमर चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपको आखिर चाहिए क्या। और फिर सेकेंड जो, और बेसिकली जो प्राइमर होता है इट्स बेसिकली अ बेस। तो प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन पर मेकअप से पहले अप्लाई करने के लिए। प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा मेकअप अप्लाई करने से पहले आप प्राइमर लाजमी यूज़ करें। सेकेंड स्टेप था हमारा कलर करेक्शन। कलर करेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डार्क सर्कल्स जो होते हैं, अपर लिप्स, चिन एरिया हो गया, आपका नोज़ की साइड्स हो गई, फोरहेड हो गया, अक्सर जो होता है डिसकलरेशन होता है या डिफरेंट कलर्स होते हैं। आप मेकअप अप्लाई करने से पहले आफ्टर प्राइमर आपने कलर करेक्शन लाजमी करनी है। कलर करेक्शन के बगैर आपने फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना, मेकअप अप्लाई नहीं करना अपनी स्किन पे। तो कलर करेक्शन करने का भी जो है वो तरीका होता है, आपने अंडर आइज़ करना है और नोज़ की साइड्स पर करना है आपने, और अपर लिप्स पर करना है, चिन पर करना है। तो जहाँ आपको डिसकलरेशन फील हो रही है वहाँ वहाँ आपको आपने जो है वो कलर करेक्शन करनी है लाजमी। कलर करेक्शन भी वो डिफरेंट कलर टोन्स में है, ऑरेंज में भी है, बेज कलर में भी है, येलो में भी है, और पर्पल में भी है, पिंक में भी है। वो डिपेंड करता है आपकी स्किन टोन पे, आपके डिसकलरेशन पे, कि आइदर आपका जो अंडर आई एरिया है वो पर्पल है या थोड़ा सा यू नो ब्राउन में है या जो भी है, आपको उस हिसाब से कलर करेक्शन इस्तेमाल करनी होती है। कलर करेक्शन का कलर यूज़ करना होता है। तो बेसिकली हम एशियंस की जो स्किन है वो अंडरटोन जो हमारा वो है वो येलो अंडरटोन है, तो हम उस पर ऑरेंज यूज़ करते हैं, ऑरेंज से उसको कलर करेक्ट करते हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टेप था वो था फाउंडेशन। फाउंडेशन भी हमारे यहाँ जो है वो डिफरेंट टाइप्स की फाउंडेशन हैं, मैट फाउंडेशन भी है, ड्यूई ग्लॉसी फाउंडेशन भी हैं, हाइड्रेटिंग जो जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड फाउंडेशन भी है, और इसके अलावा लॉन्ग वेयर फाउंडेशन भी है। अगर आपको चाहिए कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, सुबह से लेकर रात तक रहे, तो आपको जो है वो लॉन्ग वेयर फाउंडेशन आपको यूज़ करनी होगी। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप कंट्रोल करना चाहते हैं स्किन ऑयल को, तो आपको मैट फाउंडेशन यूज़ करनी होगी। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको मैट फाउंडेशन यूज़ करनी होगी, और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको जो है वो ड्यूई फाउंडेशन यूज़ करनी होगी, थोड़ी सी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन आपको यूज़ करनी होगी। और फाउंडेशंस में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, फुल कवरेज भी हैं और मीडियम कवरेज भी हैं। इसके अलावा जो है वो लाइट कवरेज भी हैं। फुल कवरेज का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो और वो पूरे ओवरऑल फेस को जो है वो आप अप्लाई करते हैं फाउंडेशन, या जहाँ जहाँ आपको नीड है वहाँ आपने अप्लाई की। और इसके अलावा जो लाइट कवरेज फाउंडेशन होती है, बेसिकली इट्स अ शेयर बेस्ड फाउंडेशन, उनका जो टेक्सचर होता है बहुत थिन होता है, वाटर टाइप का उनका टेक्सचर होता है। इसके अलावा जो मीडियम कवरेज फाउंडेशन होती है उनका बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होता, मीडियम होता है, और वो भी आपको फुल कवरेज मतलब एक अच्छी कवरेज दे देता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती फाउंडेशन की और उनको चाहिए होता है कि हम इतनी ज़्यादा फाउंडेशन वेयर ना करें, हम बहुत ज़्यादा फील ना हो कि हम फाउंडेशन को अप्लाई करें, तो उसके लिए वो या तो मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर लें या फिर शेयर बेस्ड जो शेयर लाइट कवरेज फाउंडेशन आती हैं वो यूज़ कर लें। और इसके अलावा जो है वो हमारा जो था अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप था हमारा ब्लश एंड कॉन्टोर।
ब्राउन्ज़र एंड ब्लश। तो ब्राउन्ज़र करने का भी जो कॉन्टोर, फेस कॉन्टोर करने का भी जो तरीका है वो बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत से लोगों को लग रहा होता है कि बहुत मुश्किल है, हम अपने फेस को कैसे कॉन्टोर करें, कैसे हम अपना फेस थोड़ा, हमारा फेस जो है वो पतला नज़र आए। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। बेसिकली आपको जो है वो नंबर 3 क्रिएट करना होता है। आपको अपने फोर हेड से शुरू करना होगा ब्राउन्ज़र, और एक मोटा फ्लफ़ी ब्रश होता है जो डूम ब्रश भी जिसे कहते हैं, आपने फोर हेड से शुरू करना होगा। ड्रॉ करते हुए आपने अंडर द चीक बोन आपने लाना होगा, फिर आपने अपने जॉ लाइन में कर देना होगा, ठीक है। जॉ लाइन में भी उसको ब्राउन्ज़र करते हैं। तो बेसिकली आपको नंबर 3 क्रिएट करना होता है। और इसके अलावा अगर आपको अपना कट इन्हेंस करना है तो अंडर योर चीक बोन या आपका कट होता है, इसको आपने एक दूसरे एंगल ब्रश होता है, एंगल ब्रश से आपने अपना जो है वो कट इन्हेंस कर देना है। इसके अलावा तो जो था वो हमारा ब्लश, ब्लश कैसे अप्लाई करें। ब्लश भी जो है वो डिफरेंट स्किन टोन्स के आते हैं, डिफरेंट कलर्स के आते हैं, रोजी, पिंकी, पीची और रोज पिंक और डिफरेंट कलर्स के जो है वो ब्लशेस मार्केट्स में अवेलेबल हैं। अच्छा, कॉन्टोर भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं। क्रीमी कॉन्टोर भी है, पाउडर कॉन्टोर भी है। आजकल जो ब्राउन्जर्स चल रहे हैं, कॉन्टोर चल रहे हैं, उनमें हल्की सी शाइन भी होती है। तो अगर आपको ड्यूई ग्लॉसी स्किन चाहिए तो आप फिर जो है वो थोड़ा सा शाइन वाला ब्राउन्ज़र यूज़ करें। इसके अलावा जो ब्लशेस हैं, ब्लश में भी मैट ब्लशेस भी हैं, थोड़े से शाइनी ब्लशेस भी हैं, क्रीमी ब्लशेस भी हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टेक्सचर। क्या अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी टेक्सचर्स की चीज़ें यूज़ करें, क्रीमी ब्लश यूज़ करें, ड्यूई फाउंडेशन यूज़ करें और क्रीमी कॉन्टोर यूज़ करें। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप और जो है वो आपके चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। कि अगर आपको बहुत ग्लॉसी ड्यूई मेकअप चाहिए तो आप क्रीमी टेक्सचर की चीज़ें यूज़ करें, तो उससे आपको बहुत ड्यूई और ग्लॉसी एक फेस लुक आपका क्रिएट हो जाएगा।